हिसार की बात करते हैं, जहां गांव पाबड़ा में आम आदमी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने शिरकत की। गांव पाबड़ा में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद का हल्का उकलाना में संगठन मंत्री मंजीत रंगा और लोकसभा संगठन मंत्री गिल समेत पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, जवान, किसान, मजदूर, इनके लिए काम कराया और वही हम दिल्ली के मॉडल को हरियाणा में लेके आ रहे हैं। जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, हम लोगों को समझाओगे, बताओगे जाकर। और आम आदमी पार्टी पूरी दमदार तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव। गठबंधन की बातें चल रही थी जेजेपी के साथ, आपने एक विचारधारा की बात की थी, लेकिन वो विचारधारा अब कहीं कहीं दूर हटती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी उस चीज का फैसला फाइनल नहीं हुआ है, तो उसके बाद जब तक कोई फाइनल चीज हुई नहीं है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है। जो भी चीज होगी आप लोगों के सामने। आम आदमी पार्टी ने 178 लोगों के लोकसभा के लिए आवेदन मांगे गए हैं, क्या वही लोग लोकसभा क्षेत्र में उतरेंगे या जिस प्रकार से पैराशूट आते हैं उनको भी टिकट? नहीं नहीं नहीं, कोई पैराशूट सिस्टम नहीं है। आम आदमी पार्टी में आम आदमी चुनाव लड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इसने हरियाणा के भाईचारे का सत्यानाश करा है, इसने लोगों के साथ धोखा करा है और हमने पहले भी बताया है आम आदमी पार्टी जनता के साथ, जनता के लिए है। और आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं।